जय हिंद साथियों, मैं अनवर सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख भी रहे होंगे, 5 मिनट में आपके समास का होगा सुपड़ा साफ और बने रहना है आपको हमारे साथ। अगर हम बात करते हैं समास की अगर मैं बात करता हूं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा संक्षेप पर जाना है, ये आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर परिभाषा की हम बात करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मिल को समास कहते हैं। वर्णों का होगा शब्दों का, बताइए सभी, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिल को समास कहते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है सभी को। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ समास के भेद कितने होते हैं, आप कहेंगे सर समास के भेद कितने होते हैं, यहाँ पर हमें बताइए समास के भेद कितने होते हैं। भाई समास के 6 भेद होते हैं, ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला अव्यभाव समास होगा, दूसरा क्रमधारय समास होगा, तीसरा जो होगा द्विगु समास होगा, चौथा जो होगा तत्पुरुष समास होगा, पांचवा बहुवरी समास होगा, छठा द्वंद्व समास होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं समास की, आप सभी जानते हैं यहाँ हमें इतना पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद क्या आवश्यकता है, हम केवल विटामिन को लेंगे ना कि भूस को। अगर यहाँ हम बात करते हैं अव्यभाव समास क्या होता है, इसका सीधा पहचान रखना है, जहां पर आपको उपसर्ग दिखाई दे जाए, जिस शब्द में उपसर्ग दिखाई दे जाए वहां पर क्या होगा, अव्यभाव समास होगा। कैसे, आप कहेंगे सर यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या है, यथा उपसर्ग है, क्या है, यथा उपसर्ग है। अनजान में क्या उपसर्ग है, अनजान इसका उपसर्ग है। अगर बात करते हैं आमरण में क्या है, आ उपसर्ग है। ये आपको उपसर्ग जहां पर दिखाई दे जाए वहां पर क्या होगा, अव्यभाव समास होगा। इसकी पहचान मैं आपको करवाऊंगा। जैसे यहाँ कह दो प्रतिदिन में कौन समास है, प्रतिदिन में कौन समास है, आप सीधा कहेंगे सर इसमें प्रति उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्यभाव समास होगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट समास की, नेक्स्ट समास क्या कहता है, नेक्स्ट समास की तरफ चलते हैं तो उसका क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की अगर बात करते हैं, यहाँ ज्यादा रायता फैलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों को मैं लगातार करवाता रहूंगा। यहाँ 6 भेद कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। देखिए भाई यहाँ 6 वेद में पहला आता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं, कर्म का मतलब है कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को आ रहा है, को परसर्ग लगेगा जिसको हम विच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस चालक। आप कहेंगे सर बस चालक की बात की जा रही है, बस चालक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति बस को चलाता है, हमने विच्छेदन किया, को की व्यक्ति हुई, बिल्कुल हुई, बस को चलाने वाला क्या होगा, बस चालक होगा। आप कहेंगे सर गगन चुंबी का बन सकता है, को में टूट सकता है, बिल्कुल टूटेगा, यहाँ गगन को चुमने वाला हो सकता है, तो यहाँ ये हो सकता है। जैसे कहते ग्रहकट, ये कहते ग्रहकट, ग्रहकट को क्या तोड़ेंगे, आप कहें सर ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला हो सकता है, काटने वाला हो सकता है, तो यहाँ पर जिस शब्द को हम तोड़ रहे हैं तो वहां पर को में विभक्त होगा, को में विभक्त होगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है, कर्ता ने कर्म, उसके बाद आए करण, करण का मतलब होगा करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब आप सभी जानते हैं, करण का मतलब होता है साधन के रूप में, किस रूप में, साधन के रूप में, जिस काम को हम कर रहे हैं वहां पर से का प्रयोग होगा साधन के रूप में। देखिए कैसे होगा, आप कहेंगे यहाँ पर से या द्वारा होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर रेखा अंकित, रेखा द्वारा अंकित, यहाँ कहते हैं हस्तलिखित, लिखित किससे, हाथ से, हाथ क्या है वहां साधन है लिखने का, यहाँ बात कर रहा है साध्य, किससे, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य में, यहाँ पर से का प्रयोग होगा, से का प्रयोग किस रूप में होगा, साधन के रूप में होगा। जैसे कहते चिड़ी मार, चिड़ी मार होगा नहीं होगा, चिड़ी मार होगा नहीं होगा, चिड़ी मार किस में होगा, आप कहेंगे सर वहां कर्म तत्व होगा चिड़ी को मारने वाला। नेक्स्ट देखिए अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला होगा यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। आप जानते हैं सर संप्रदान तत्पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो संप्रदान को लिए होगा नहीं, संप्रदान में होगा सिर्फ और सिर्फ के लिए, यहाँ पर के लिए का प्रयोग होगा। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी में क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ क्या होगा, के लिए होगा, विच्छेदन करने पर बिल्कुल होगा। यहाँ अगर बात करते हैं परीक्षा भवन, परीक्षा के अगर हम विच्छेदन करते हैं तो यहाँ होगा परीक्षा के लिए भवन, के लिए है, बिल्कुल है। यहाँ हवन सामग्री बात करते हैं, हवन के लिए सामग्री, तो हवन सामग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अगला कौन सा होगा, बिल्कुल अगले पर चर्चा करेंगे। अगला होगा अपादान, अपादान आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, अपादान का मतलब होता है से, और अपादान में से का मतलब होगा अलगाव की स्थिति में, आप सभी जानते हैं अलग होने के लिए बात की गई है, बिल्कुल की गई है। जैसे कहता है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, जो व्यक्ति सच्चे रास्ते पर चल रहा है उससे भ्रष्ट हो गया, तो क्या होगा, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। जैसे कहता है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से अलग हो गया, तो इस से का प्रयोग क्या होगा, अलग होने के लिए। अगर बात करता है जन्मांध, जन्म से अंधा, तो यहाँ होगा जन्म से अंधा, अंधा कैसा है, जन्म से, तो यहाँ पर आप सभी जानेंगे, तो यहाँ पर से का प्रयोग किस लिए होगा, अपादान के लिए, अलगाव की स्थिति में, बिल्कुल। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चौथा हो गया, पांचवा क्या है,
पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का की क्या होगा, बिल्कुल संबंध दर्शाएगा एक का दूसरे से। ये कहता है घोड़ दौड़, दौड़ किसकी है, आप कहेंगे सर घोड़ा की दौड़ है, घोड़ा की दौड़ किसकी है, घोड़ा की दौड़ है, यहाँ संबंध है। पूजीपति क्या होगा, पूजी का पति बिल्कुल होगा, यहाँ पर संबंध है पूजी का पति से। यहाँ पर गृह स्वामी होगा, घर का स्वामी, गृह का स्वामी, तो यहाँ गृह स्वामी होगा। जैसे आप सभी देख कैसे सर राजपुत्र भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसे कह देंगे राजा का पुत्र। क्या कह सकते हैं भाई, राजा का पुत्र कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखेंगे अगला, यहां देखेंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए चैप्टर। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष की बात मैं करता हूं तो यहां होगा अधिकरण में, अधिकरण में होगा, बिल्कुल होगा, में आ सकता है या पर आ सकता है, इतना आप सभी समझदार हैं और समझ रहे होंगे। यहां बात करते हैं शरणागत, शरणागत का मतलब होगा शरण में आगत, क्या होगा भाई, शरण में आगत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, शरण में आगत। नेक्स्ट बात करता हूं आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, किस पर, आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, जल मग्न हो जाएगा, जल में मग्न हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जल में ही तो है, तो जल मग्न हो जाएगा, आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कहते हैं आप बीती कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, आप पर, आप बीती में कौन सा समास होगा, आप कहेंगे सर आप पर, आप पर बीती, आप पर बीती, आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, यहां आप बीती की गई है तो यहां पर भी अधिकरण तत्पुरुष समास ही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला आपका आता है यहां पर द्विगु समास। द्विगु समास में आपको ज्यादा रायता महाभारत नहीं फैलानी है, यहां पर सीधा सीधा आपको करना है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, बिल्कुल होगा, क्या होगा, संख्यावाची होगा। यहां अगर मैं बात करता हूं जैसे, यहां बात करता हूं जैसे चौराहा, यहां बात करता हूं चौराहा, आप कहेंगे सर चौराहा की बात करते हैं, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, चार राहों का समूह हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, संख्यावाची हो गया है। बात करता है त्रिभुवन, त्रिनेत्र कह सकता है, त्रिनेत्र कह सकता है, तीन नेत्रों वाला बिल्कुल हो सकता है, तीन नेत्रों वाला बिल्कुल हो सकता है, इस बात को आप सभी ध्यान रख सकते हैं। पेपर से पहले का ये आपका डोज है, कैसे आपको समास कंफर्म करना है, समास कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पर त्रिनेत्र मतलब प्रथम पद जिसको भी तोड़ोगे संख्यावाची होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर द्विगु समास होगा, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, अगला, अगले की बात करते हैं। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, जिसको अन्य पद प्रधान होगा, बिल्कुल होगा, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। ऐसी ट्रिक बताऊंगा यहां पर, तो आप अगर कहते ना सात जन्मों में भी नहीं भूल सकते, सात जन्मों में तक आपको याद रहेगा समास में, इस बात की गारंटी लेता हूं। अब क्या होगा सर, ऐसी ट्रिक क्या है इसमें, बिल्कुल है, यहां आप देखेंगे, यहां देख लेना, जहां पर भगवान का नाम आ रहा हो, जहां पर भगवान का नाम आ रहा हो, भगवान का नाम आ रहा हो, वहां पर क्या होगा, भगवान का नाम आ रहा हो, वहां पर बहुव्रीहि समास ठोक देना है, कुछ भी कर लेना। आप कहेंगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल है, कैसे, जैसे दशानन कह दे, आप कहेंगे सर ये तो दशानन तो आपने अभी बहुव्रीहि बताया, अगर यहाँ भगवान का नाम आ रहा है तो प्राथमिकता बहुव्रीहि को देना है, ना कि द्विगु समास को। दशानन क्या होगा, जैसे कह दे लंबोदर, लंबोदर कह दे, लंबोदर कह दे, अगर कह दे यहाँ पीताम्बर कह दे, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, आज पीताम्बर कहते हैं किसके लिए, कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए। लंबोदर कहते हैं गणेश जी के लिए। अगर बात करता है यहाँ पर दशानन कहते हैं रावण के लिए, बात कर रहा, तीनों क्या आ गए, भगवान आ गए जिसको हम मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, यहाँ किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, जहां पर भगवान की बात कह रहा हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास आपको लगा देना है, आंख मीच करके, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए अगला, अगले पर हम चर्चा करेंगे, अगला क्या होता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय की बात करते हैं, यहाँ पर विशेषता बताई जाएगी किसकी, विशेषता बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी किसकी, विशेषता की, विशेषता की विशेषता बताई जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आप कहेंगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल है, जैसे कह दे नीलांबर, नीलांबर कह दे, नील गगन कह दे, क्या कह दे, नील गगन कह दे, गगन कैसा है भाई, गगन कैसा, आप कहेंगे सर नीलांबर हो जाएगा, नीला है जो अंबर, नीला है, नीला है जो अंबर, क्या हो जाएगा भाई, नीला है जो अंबर, नीला है जो गगन, क्या हो जाएगा, नीला है, नीला है जो गगन। तो यहां पर हम बात करेंगे नीला है जो गगन, तो यहाँ क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ कलर की बात कर रही है, अंबर कैसा नीला, गगन कैसा नीला, ऐसा भी है क्या, बिल्कुल है। अगर यहाँ आपसे कह दे महात्मा, महात्मा शब्द कह दे, अब यहाँ महात्मा कह दे, आत्मा कैसी है, महान, तो बात हो जाएगी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा,
आप कहेंगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल है भाई, अगर आत्मा कैसी है, महान है, तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा हम लगा देंगे कर्मधारय समास, यहां दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला समास पर हम बात करते हैं। अगला समास क्या होगा, अगला होगा द्वंद्व समास। यहां किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपके लिए आपका चैप्टर क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। यहां पर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। दोनों पद प्रधान होंगे, बिल्कुल दोनों पद प्रधान होंगे, क्या होंगे भाई, दोनों पद प्रधान होंगे, योजक चिन्ह लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा भाई मेरे कप्तानों, योजक चिन्ह भी लगा होगा। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कहते हैं विलोम शब्द भी हो सकता है, बिल्कुल विलोम शब्द भी हो सकता है। देख लो तीन लाइन से आपका समास खत्म, यहां ये द्वंद्व समास। यहां बात करते हैं रात दिन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, विलोम शब्द है, रात दिन विलोम शब्द है, बिल्कुल है। जैसे कहते हैं सुबह शाम, बिल्कुल सुबह शाम की अगर बात करता है, सुबह शाम क्या है, आप कहेंगे सर विलोम शब्द है, योजक भी लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे कहते दही घी कह दे, तो यहां पर विलोम शब्द है, क्या होगा, योजक लग रहा है, द्वंद्व समास होगा। यहां तक क्लियर है, आपसे भी समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे प्यारे कप्तानों। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला बात करते हैं, अगला क्या है, द्वंद्व समास आपका क्लियर हो गया। अगला आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आ चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपसे भी बताएंगे यथा शीघ्र में कौन सा समास है, यथा शीघ्र में कौन समास है। मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर जहां पर उपसर्ग लगा हुआ हो, यथा क्या है उपसर्ग है, तो आप सीधा लगा देंगे, अव्ययीभाव समास होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अगले में क्या है, अगला है त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, आप कहेंगे सर त्रिभुज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर तीन भुजाओं वाला आएगा, तीन भुजाओं वाला। आप कहेंगे सर आपने बताया था जहां पर संख्यावाची शब्द पहला हो, तो वहां पर सीधा सीधा द्विगु समास लगा देना है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। अगला अगर बात करता हूँ समास की, अगला क्या है, अगला है नील गाय। गाय कैसी है भाई, गाय कैसी है, आप कहेंगे सर गाय है नीली, गाय कैसी है नीली। अभी आपने बताया जहां पर किसी की विशेषता बताई जा रही हो, वहां पर सीधा सीधा लगा देने कर्मधारय समास, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल कर लोगे खत्म मेरे प्यारे कप्तानों, यहाँ आपका सभी का सही होगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगला क्या होगा, अगले की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है महात्मा। महात्मा तो अभी आपने सीधा करवाया है, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है, तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या होगा, अगला देखिए भाई आत्मज, आजन्म में कौन सा समास है, आप कहेंगे सर आजन्म, इसमें क्या है, आ उपसर्ग है, तो आप सीधा लगा देंगे अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले में क्या होगा, अगला क्वेश्चन है राजपुत्र। आप कहेंगे सर राजा का पुत्र की बात की जा रही है, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र अगर बात करेंगे, राजा का पुत्र आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखना, ये भी आपको करवा चुका हूं। अगर नेक्स्ट बात करता हूं मैं अगला कौन सा होगा, अगला तिरंगा। तिरंगा की बात करता तीन रंगों वाला, यहाँ आप करेंगे सर तीन रंगों वाला की बात की जा रही है, किसकी, तीन रंगों वाली, तिरंगा में तीन रंग होते हैं, विशेषकर तीन रंग होते हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर तीन रंग की बात की जा रही है, द्विगु समास होगा, प्रथम पद संख्यावाची, बिल्कुल आपने ये भी करवाया। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये तो आपने पहली स्लाइड में बता दिया, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, ये आपने पहले ही बता दिया, यहाँ भी हमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, जैसा कि मैं बताता हूँ यहाँ इस तरह से आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन है उपकुल में क्या है, उपकुल की बात करता हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया उप क्या है, उप आप सभी जानते हैं अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, मैंने आपको बताया जहां पर भी उपसर्ग लगा हो वहां पर अव्ययीभाव समास बिल्कुल लगा देना है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, सभी को बताना है भाई, अगला क्वेश्चन है यथा शीघ्र, भाई सबले ये आ रहे हैं यथा शीघ्र, इसमें क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, किसमें वही कमेंट बॉक्स बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, आपके समास समझ में आया नहीं आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।